सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। रेगुलर रूटीन से अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में आज की वीडियो हम एक साधारण पशुपालक के यहाँ से लेके आ रहे हैं। इनके पास कुछ ये एनिमल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, उनके बारे में डिटेल से पूछे। उससे पहले मैं एक बार आपको भाई से मिलवाना चाहूँगा और जो इनका एड्रेस है वो जानना चाहेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। मंजीत भाई, राम राम। राम राम भाई, सभी यूट्यूब भाइयों को देखने वाले को मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी भाई, अपना जो शुभ नाम सतेंद्र, सतेंद्र कुमार जी, और गांव कौन सा है अपना भाई? गांव सिया, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। आज कितने पशु बिक्री के दिखा रहे हो भाई? तीन कटड़ी से, एक बाघड़ी भैंस है, एक छोटी बाछी है। अच्छा अच्छा, तो शुरुआत पहले नंबर की कटड़ी से करें तो भाई साहब इसकी कितनी एज है? भाई दो दांत तोड़ लिया। दो दांत के हैं अभी? हाँ। और इसकी जो माँ का दूध कितना है भाई साहब? माँ भाई अमेरिकन थी, मतलब दूध जड़ 19 किलो दूध दियो था। दूसरे ब्यांत में 19 किलो दूध। और ये खुद कौन से सीमन की है या वैसे नेचुरल में? भैंस के साथ ले आए थे, सेहत तो बढ़िया सीमन की। अच्छा, जो आपने भैंस खरीदी थी उसके साथ में कटड़ी आई थी, आपको ये नहीं पता सीमन की है या वैसे बुल की है? ठीक है ठीक है। अभी प्रेग्नेंट है भाई? भाई ढाई महीना प्रेग्नेंट से, चेक करवा के दे दूंगा। ढाई महीने की कंसीव प्रेग्नेंट है, अगर कोई भाई खरीदता है तो भाई का कहना है चेक करवा के देंगे। बिल्कुल छोटे सींग की है। एक जो मुर्रा भैंस जिसकी फेस वैल्यू काफ़ी मैटर करती है, और कटड़ी में तो खासकर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जब ये तो है नहीं कि अभी से ये अडर बना दिया, क्योंकि जब बच्चा देगी उस टाइम पे जो अडर की क्वालिटी है वो तो बाद में दिखेगी, लेकिन इसकी जो हाइट और लेंथ की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाइट लेंथ है। जिस हिसाब से इसकी एज है, दो दांत अभी किए हैं, और देखिए बिल्कुल छोटा जो खुंडे सींग की या बोलते हैं जो नींबू के जितना छोटा सींग इस कटड़ी का है। एक बार थोड़ा इस साइड करके भाई इसके थन दिखाना, बिल्कुल जेड ब्लैक टेल, और साथ में मैं कहूँगा फिर से हाइट लेंथ इस कटड़ी की काफ़ी ज़्यादा है। थनों की क्वालिटी थोड़ा कैमरे को देख के पशु डर जाता है, लेकिन इस कटड़ी की जो थनों में भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है भाई, रहने दो, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। कोई पशुपालक वीडियो में अगर ना भी दिखाई दे तो निश्चिंत होके इस कटड़ी को खरीद सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बात करें इसकी जो फेस की क्वालिटी है बिल्कुल कंपटीशन वाली कटड़ी के जितनी। थोड़ी पशु ज़्यादा होने के कारण भाई के पास केयर कम है, फिर भी कटड़ी का आप सींग से लेके और टेल तक कोई माइनस पॉइंट नहीं है। पीठ पुठा भी काफ़ी अच्छा, थोड़ी लिस्सी है, लेकिन जो पशुपालक आगे लेके जाएगा सेवा करेगा वहाँ पर कटड़ी और भी अच्छी तैयार हो जाएगी। सतेंद्र भाई, ये कटड़ी कितने दिन की है? भाई 14 महीने है कटड़ी है। 14 महीने की। और इसकी माँ का दूध कितना था भाई? या भाई अपने फार्म की कटड़ी से। अच्छा, अपनी भैंस की है? हाँ, पीसी 575 की। पीसी 575 की। और इसकी माँ का दूध कितना था? माँ भाई 22 किलो दूध देते मेरे का नहीं से। अच्छा, आप ही के पास है। HLDB का सीमन था ना? हाँ। HLDB के सीमन की है, और इसकी माँ है वो भाई के पास, आप कैमरे के सामने देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा हाइट लेंथ की 20-22 किलो दूध रूटीन से एक आम फार्मर के घर दे रही है। काफ़ी ज़्यादा फिर से कहेंगे हाइट और लेंथ की, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये कटड़ी भी है। साथ में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो इस तरह की जो मुर्रा हिफर हैं वो इसलिए हम वीडियोज़ में दिखा रहे हैं ताकि हमारे जो पशुपालक भाई खरीदना चाहते हैं, ज़्यादा पेमेंट पशुओं पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो कटड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। थोड़ा नलाई दुलाई नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखा रहे हैं, और साथ में जो थोड़ा रेडनेस बाल में पुट्ठे पे दिखाई दे रही है, इस टाइम पे पशु जो छोटे काफ हैं या बड़ी भैंसे हैं वो अपना जो ये जो बाल हैं इनको गिराने में लगी हुई है। जो नया जब इसके ऊपर नया बिल्कुल बाल आएगा वो बिल्कुल ब्लैक होगा, बिल्कुल छोटे सींग की। लास्ट में ये वाली कटड़ी भाई, इसकी और बताएं भाई। यह कटड़ी 13 महीने कटड़ी, 13 महीने की। और इसकी माँ का दूध कितना था? की माँ को 16-17 किलो दूध भाई। 16-17 किलो दूध। और ये सीमन की है वैसे बुल की है? भाई सीमन की है, HLDB का सीमन खरीद के ले आया था भाई। अच्छा, या लेके आए हो आप? हाँ। भाई के पास और भी एनिमल हैं, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अच्छे पशु पालने का शौक रखते हैं, पहले भी इनकी वीडियोज और एक आध चैनल पे आप देख पाए होंगे, क्योंकि शायद पहले सुरेंद्र भाई ने इनकी वीडियो बनाई थी। और ये कटड़ी भी काफी अच्छी क्वालिटी की, एक बार इसको बाहर ले आओ खोल के,
सबसे जो एज के हिसाब से काफ़ी अच्छी कटड़ी है। ये देखिए इसकी जो थनों की क्वालिटी है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, क्योंकि थोड़ा काफ है वो, जब रूटीन से अगर वीडियो वगैरह बनाना या अदर कोई बाहर खेतों में रहने का सिस्टम है, इसलिए थोड़े काफ डरने लग जाते हैं। भले आओ भाई, ये देखिए, क्योंकि इसीलिए नहीं खुलवा रहे, वो बड़ी कटड़ी है, वो भागदौड़ करेगी, क्योंकि गांव में जो पशुपालक रहते हैं वहाँ पे जो काफ हैं उनको ऑटोमेटिकली एक आदत सी हो जाती है रूटीन से, बाहर के जो आदमी आते जाते रहते हैं। लेकिन ये यहाँ पे खेतों की रियास है भाई की, पशु रखने की जगह तो काफ़ी अच्छी है ये, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जो इसके थनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। टैल नीचे से तकरीबन बाल वाइट होंगे, वैसे नहीं होगी, बिल्कुल छोटा सींग है इसका भी, क्योंकि यही कटड़ियाँ अगर किसी ब्रीडर या पशुपालक, बड़े पशुपालक के घर होती तो फिर बात अलग हो जाती है। लेकिन हम सिंपल तरीके से, जो सिंपल एक साधारण किसान के यहाँ से वीडियो लेके आ रहे हैं, और साथ में ये भैंस भाई साहब, भैया 30,000 लैक्टेशन की है, 10-11 लीटर दूध से। अच्छा, और 17 तारीख ने ये एक महीना की हो जाएगी। ताजी ने कितना दूध निकाल रखा है? 14 लीटर भाई। साइड थोड़ी साइड रखती है ना? हाँ, साइड से थोड़ी थोड़ी साइड जरूर है, लेकिन ऊंचाई लंबाई सिंगों की क्वालिटी बॉडी स्ट्रक्चर काफी अच्छा, क्योंकि जो तोकड़ या बकरी भैंसे लेने का भी काफी पशुपालक फोन करते हैं। वैसे हम घूम के तो दिलाते नहीं, लेकिन भाई के पास ये बिक्री के लिए इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रयास है कि जो ताज़ा या बाखड़ी या हीफर लेना चाहते हैं, हम रूटीन से वीडियोस लेके आ रहे हैं, और उसी प्रयास में आज की वीडियो सतेंद्र भाई के यहाँ से एक हरियाणा नस्ल की जो ये हीफर है, ये भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसकी कितनी एज है भाई? भाई 8 महीना होगी। 8 महीना। और इसकी जो माँ है वो कितना दूध देती है? माँ भाई 10 किलो दूध। 10 किलो। कौन से ब्यांत में है? फिर ये वैसे सीमन की है, सांड की है? भाई मैं तो लेके आया था। अच्छा, आपने इसकी जो माँ गाय यही है? हाँ। ये सामने इसकी जो इस गाय की ये बछड़ी है, हरियाणा नस्ल, जिसका हम एक प्रयास करते हैं कि हर खूंटे पे एक हरियाणा नस्ल की गाय हो, बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ में। एक साहिवाल की बछड़ी भी आप देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पशु भाई के पास हैं, क्योंकि शौक है, पहले एक अच्छा बुल भी तैयार किया था। और जो भी पशुपालक इन पशुओं के बारे में अदर डिटेल जानना चाहता है, एक बार अपना मोबाइल नंबर बताएं भाई। भाई 93,505 94,582 तो किसी भी तरह की अदर डिटेल के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एक प्रयास है अच्छी वीडियो लेके आने का, उसमें आज की वीडियो एक साधारण किसान के यहाँ से अच्छे ये मुर्रा हीफर आपको दिखाई। आप लोगों को इनकी ये कटड़ियाँ कैसी लगी कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।